सो गाइस आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस के बारे में। ये बच्चों हमारा एक टाइप है वंडरवॉल फोर्सेस है और इसके अंदर बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है, लेकिन आज की वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो मेरी गारंटी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक से रिगार्डिंग। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे फोर्स आपकी एग्जिस्ट कहां करती है, यानी फोर्स आपकी कहां पे मिलती है। तो ये फोर्स बच्चों आपकी एग्जिस्ट करती है पोलर एंड नॉन पोलर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी एक सब्सटेंस आपका पोलर होगा दूसरा सब्सटेंस आपका नॉन पोलर होगा, उनके बीच में फोर्स एग्जिस्ट करेगी। अब कैसे एग्जिस्ट करेगी मैं आपको एग्जांपल के सब कुछ समझाऊंगा, बस आप देखते रहिए। इसके बाद हम बात करते हैं आपके पोलर सब्सटेंस कैसे होते हैं। तो पोलर सब्सटेंस बच्चों आपके सब्सटेंस होते हैं जिसमें कुछ पोल जनरेट होता है। पोल का मतलब क्या है, कोई ना कोई चार्ज पैदा होना चाहिए, सब्सटेंस आपके होते हैं पोलर सब्सटेंस होते हैं। अब आपको बताया चार्ज आने का सिर्फ एक ही कारण है इलेक्ट्रॉन। अब अगर जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे वहां पर क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे वहां पर कैसे चार्ज होता है बच्चों वहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आपको इतना याद रखना है पॉजिटिव चार्ज कहां आता है जो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे कम, और जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा क्या आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इनके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है उसका रीजन क्या है बच्चों, इन विच यानी इनके अंदर क्या होता है इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं वो रहते हैं अनसिमेट्रिकली, यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है इन सब्सटेंस के अंदर वो कैसे होता है अनसिमेट्रिकली का मतलब क्या है एक साथ नहीं बट रहते, कहीं पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे कहीं पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे कम होंगे, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां नेगेटिव चार्ज, जहां इलेक्ट्रॉन कम होंगे वहां क्या होगा पॉजिटिव चार्ज। इतना आप समझ चुके। इसके बाद अगर हम बात करें इनके अंदर क्या एग्जिस्ट करता है बच्चों, दे हैव यानी पोलर सब्सटेंस के अंदर क्या होता है परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रिक वोल्ट किससे रिलेट कर रहा है चार्ज से रिलेट कर रहा है, और डायपोल का मतलब क्या होता है डाई का मतलब होता है दो और पोल का मतलब है चार्ज, यानी दो इक्वल और अपोजिट चार्ज के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं डायपोल बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो डायपोल आपका होता है टू इक्वल अपोजिट चार्जेस का सिस्टम, जैसे आपको दिख रहा होगा डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव दोनों इक्वल चार्ज और डेल्टा कैप जेड कर रहे हैं दोनों दोनों स्मॉल चार्ज, तो दो इक्वल अपोजिट चार्ज के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं डायपोल बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन पोलर सब्सटेंस आप कैसे होते हैं, नॉन पोलर सब्सटेंस बच्चों आप कैसे होते हैं, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे कैसे बट रहते हैं सिमेट्रिकली, यानी इनके अंदर कोई पोल जनरेट नहीं होगा यानी कोई चार्ज जनरेट नहीं होगा। भाई चार्ज जनरेट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब क्या है बच्चों इलेक्ट्रॉन हर जगह इक्वली बट रहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन हर जगह इलेक्ट्रॉन इक्वली बट रहेंगे तो ना तो कहीं पॉजिटिव चार्ज आएगा ना नेगेटिव आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे वहां पे नेगेटिव चार्ज होगा, जहां इलेक्ट्रॉन कम होगा वहां पे कैसे चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन कैसे बट रहेंगे भाई सिमेट्रिकली बट रहेंगे, आपको इतना याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों दे डोंट हैव परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है नॉन पोलर सब्सटेंस के अंदर कोई भी परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं होता है, यानी डायपोल आपको बताया मैंने दो इक्वल अपोजिट चार्ज यहाँ पे पैदा नहीं होते परमानेंट, लेकिन इंड्यूस डायपोल यहाँ बनता है कैसे बनेगा मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा। इसके बाद हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल क्या बच्चों, तो ये पोलर और नॉन पोलर के बीच में एग्जिस्ट करेंगे। तो पोलर सब्सटेंस आपके कौन होंगे, जैसे HCl वाटर आपका पोलर होता है, HF क्योंकि यहाँ फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन की यहाँ पे क्लोरीन की, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखते हैं फ्लोरीन ऑक्सीजन और यहाँ पे आपका क्लोरीन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बच्चों बताओ क्या होती है आपकी इलेक्ट्रॉन के शेड पेयर को अपनी तरफ खींचने की जो पावर होती है इसको हम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बोलते हैं। मैं अभी समझाऊंगा बस आप देखते रहिए अच्छे से। इसके बाद अगर आप बात करो बच्चों नॉन पोलर सब्सटेंस, तो नॉन पोलर सब्सटेंस में आपके कौन आ जाएंगे नोबल गैस, जैसे हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जीनोन आपके क्या नोबल गैस, ये सारे सारे गैस होते हैं बच्चे आपके नॉन पोलर, फिर आपके ऑक्सीजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये भी आपके नॉन पोलर, तो कोई सब्सटेंस इधर से होगा कोई सब्सटेंस इधर, इनके बीच में फोर्स एग्जिस्ट करेगी। अब आपको दो मिनट बिल्कुल ध्यान से फोकस बना समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां से ध्यान से देखना। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है देखो बच्चों, सपोज करो हमारे पास एक पोलर सब्सटेंस है HCl, HCl आपका पोलर है, और आपके पास दूसरा सब्सटेंस है आपका नॉन पोलर, जैसे आपका हीलियम का एटम हो गया। अब बच्चों अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे HCl को, तो HCl में आपको नजर आएगा हाइड्रोजन से और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड नजर आएगा, और सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है इसका मतलब ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन किसका बच्चों इसके अंदर हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन किसका बच्चों इसके अंदर क्लोरीन का, ये आपका शेयर पेयर हो गया। और आपको बता दें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है बच्चे इलेक्ट्रॉन के शेयर पेयर को अपनी तरफ खींचने की जो पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो क्लोरीन इस शेयर पेयर को अपनी तरफ खींच के रखेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का पेयर किस तरफ शिफ्ट होगा क्लोरीन की साइड, तो इसलिए क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल चार्ज को, क्योंकि ये पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन इसने लिए, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर थोड़ा सा इसकी तरफ शिफ्ट हो गया, इसकी तरफ शिफ्ट हो गया इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, ये आपका क्या बन गया डायपोल। डायपोल का मतलब क्या देखो दो इक्वल अपोजिट चार्ज पैदा हो गए, ये आपका बन गया परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल। आप इसे यहां पे ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हो इस डायग्राम के आपसे, अगर आप इससे फील हो गए देखो हाइड्रोजन हो गया आपका, ये क्लोरीन हो गया, सिंगल बॉन्ड का मतलब है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन किसका हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन किसका क्लोरीन का, अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट हो गया इस तरफ शिफ्ट हो गया, तो देखो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आ गया इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आ गया, ये बात रही HCl की, HCl आपका पोलर तो देखो डायपोल जनरेट हो गया परमानेंट डायपोल बन गया। अगर आप बात करोगे बच्चों हीलियम, हीलियम आपका नॉन पोलर, नॉन पोलर का मतलब क्या है अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे इसका डायग्राम इसे अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा देखो इलेक्ट्रॉन क्या है सिमेट्रिकली बटे हुए आपका इसका न्यूक्लियस हो गया, अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, लेकिन ये आपका आपको पता है इस तरह मान सकते हो आपका गंदा बच्चा हो गया अच्छा बच्चा हो गया, अब ये गंदा बच्चा भी इसे बिगाड़ेगा कैसे बिगाड़ेगा आप देखो ध्यान से बच्चों, तो इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो गए ना, अब इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे रिपेल करेंगे भाई इस एंड के जितने इलेक्ट्रॉन है इसके इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे रिपेल करेंगे, और जितने भी इसके इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या सिमेट्रिकली बटे हैं,
लेकिन यहाँ पे अभी कोई नो डाइपोल है, कोई डाइपोल नहीं बना, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इस तरफ शिफ्ट हो गए, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जब इस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं वहां क्या आएगा डेल्टा नेगेटिव, और इस तरफ आपका क्या डेल्टा पॉजिटिव, इस तरफ शिफ्ट हो गया तो देखो यहाँ पे डाइपोल बन गया। लेकिन एक ऐसा डाइपोल बना बच्चों आप देख सकते हो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ये आपका बना इंड्यूस डाइपोल। इंड्यूस डाइपोल का मतलब क्या है, इस डाइपोल ने इंड्यूस किया यानी फोर्सफुली जबरदस्ती ले भाई, जैसे सिगरेट पी रहा तू भी पी ऐसे जबरदस्ती करके, तो आप देख सकते हो डाइपोल बना इंड्यूस डाइपोल बना। अब अगर आप यहाँ ध्यान से ऑब्जर्व करोगे इसका नेगेटिव एंड हो गया, इस डाइपोल के इंड्यूस डाइपोल क्या हो गया पॉजिटिव एंड हो गया, तो इनके बीच में क्या बनेगा अट्रैक्शन बनेगा नहीं भाई, तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन बनता है नहीं, ये क्या बन गया इनके बीच में फोर्स बन गई, तो ये क्या बन गया बच्चों डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। तो आप देख सकते हो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, आप बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ आ चुका। तो लास्ट में आप इसे ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो बच्चों, ये आपका पोलर हो गया, यहाँ पे डाइपोल बना, इसके नेगेटिव वाले यानी इसके इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, यानी इस तरफ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरफ शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे एक डाइपोल बनेगा, इस तरफ आपका क्या आएगा बच्चों आप समझ रहे होंगे अब तो पूरा कॉन्सेप्ट, इस तरफ नेगेटिव और इस तरफ आपका क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो देखो यहाँ पे कौन सा डाइपोल बना आपका इंड्यूस डाइपोल, और ये बना आपका कौन सा डाइपोल बना आपका परमानेंट डाइपोल, तो इसका नेगेटिव एंड इसके पॉजिटिव एंड क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। तो जबरदस्ती वाली बात है, अगर अब इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।